क्या है अल्ट्रासोनिक राइनोप्लास्टी? यस दोस्तों, हमारे दिमाग में बड़ी क्वेरी रहती है। जिस पेशेंट को राइनोप्लास्टी करानी होती है वो बहुत सारे यूट्यूब पे सर्च करता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड सर्च करता है, डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स को सर्च करता है। क्या है अल्ट्रासोनिक राइनोप्लास्टी? दोस्तों, राइनोप्लास्टी जैसे आपको पता है नोज को रीशेप एंड रीसाइज करने का एक नोज जॉब है, जिसके माध्यम से हम हमारे नोज को हमारे जो रेस्ट ऑफ फेशियल फीचर्स है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट बना सकते हैं, नोज को समायोजित कर सकते हैं। ये है राइनोप्लास्टी सर्जरी, नोज जॉब। कोई भी वर्क करते हैं दोस्तों, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स काम आते हैं। एक होती है कन्वेंशनल टेक्निक जो चली आ रही है, एक होता है एडवांसमेंट, जो कुछ नया हर टेक्निक में होता है, हर सर्जरी में होता है। ऐसे ही दोस्तों, राइनोप्लास्टी सर्जरी में भी एक अल्ट्रासोनिक जो राइनोप्लास्टी एक नई टेक्निक है, वो मैं आपको बताता जाऊं उसमें क्या उसका यूज है। राइनोप्लास्टी में बहुत बार जो है हमारा बोन जो है उससे रिलेटेड पेशेंट को प्रॉब्लम होती है कि ओवर वाइड हमारा बोन होता है, या कई बार हमारा बिग बम्प होता है, हम्प होता है नोज भी। एंड जिस चीज की हमें राइनोप्लास्टी करानी होती है, जो हमारा कन्वेंशनल जो तरीका था दोस्तों, उसमें सारे राइनोप्लास्टी सर्जन क्या करते थे कि वो जो बम्प था या हमारे जो एक्सिस जो ओवर वाइड जो थिक बोन थी उसको हम जो है एक रेस्प होता था उससे घिसते थे, उससे रेस्प करते थे। दूसरा जो है उसको जो है एक्सिस बोन को हम जो है वो बोन सा या उससे कटर से उसको कट करते थे। ये मेथड ट्रेडिशनली यूज में लिया जाता था। विद द एडवेंट ऑफ द टाइम, समय के आविष्कार के साथ में ये हार्मोनिक जो राइनोप्लास्टी आई है दोस्तों, इसमें क्या है, एक अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। उस अल्ट्रासोनिक वेव्स के माध्यम से उस पे रखने से वो जैसे कोई चीज मेल्ट होती है वैसे वो पिघल जाती है। सो उससे एडवांटेज क्या है? उससे एडवांटेज दोस्तों ये है कि जब हम उसको काटते हैं या उसको रेस्प करते हैं तो टिश्यू के अंदर बहुत स्वेलिंग आती है एंड वो एक्यूरेसी नहीं होती। बट इसमें क्या है कि ये एक एक्यूरेट मेथड है जिससे हम बोन को कितना थिन करना है, कितना नैरो करना है एंड कितना डाउन करना है, एंड लेटर पेशेंट का जो है वो एक्यूरेसी होती है और उसमें जो है हमारे को बाद में जो है वो हमारे नोज, क्योंकि थोड़ा बहुत राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद जो टिश्यू में एडिमा होता है, स्वेलिंग होता है, वो नहीं होता। एंड इसके अलावा दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि जो हम ओस्टियोटोमी करते हैं, यानी ओस्टियोटोमी का मतलब होता है कि जैसे हमारा ये जो हमारा नेजल जो बोन जो है ऊपर का बोनी, वो जो पिरामिड है हमारे नोज का, वो भाई कई बार क्या है एक साइड में डेविटेड है या ओवर वाइड है, चौड़ा है, तो हमें उसको नैरो करना है या हमें उसको सीधा करना है। तो हमारे उसमें क्या है, ओस्टियोटोमी एक टेक्निक होती है जिसमें क्या करते हैं कि जैसे हमारा ये नेजल एक लेटरल नेजल वॉल है, तो इसको क्या है नीचे के अटैचमेंट से फ्री करके इसको हमें मीडियलाइज लाना होता है ऐसे। तो इसमें जो ये इसको सेपरेट जो करने का तरीका ओस्टियोटोमी है, एक जैसे हमारा छिन्नी हथौड़ा नहीं होता उस टाइप में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे पहले किया जाता था, लेकिन आजकल इस अल्ट्रासोनिक जो राइनोप्लास्टी एक जो माध्यम है उसकी सहायता से यहाँ से इसको बिल्कुल एक डी अटैच कर लिया जाता है, बड़ा स्मूथली अंदर कर दिया जाता है जिससे क्या वो नैरो हो जाता है एंड जितना उसको थिन कर लिया जाता है वो भी हम जो है थिक बोन को थिन कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि बड़ा एक एक्यूरेट मेथड है, हमारा इस बोन के ऊपर जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू है दोस्तों उसका ट्रॉमा नहीं होता। सो ये एडवांसमेंट है, रिवोल्यूशन है राइनोप्लास्टी में, जिसके माध्यम से हमें जो है हमारे जो रिजल्ट हैं राइनोप्लास्टी के वो बहुत अच्छे होते हैं, पेशेंट को जो है उससे बाद के अंदर जो है स्वेलिंग नहीं होती एंड जो है जो रिफाइनमेंट्स है नोज का वो जल्दी आता है। सो दोस्तों, देखा आपने कि आप अगर राइनोप्लास्टी कराना है, आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क टू योर सर्जन कि मेरे को क्या है कि अगर आपके पास इसका एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको प्याजो बोलते हैं, वो हार्मोनिक राइनोप्लास्टी की सुविधा है कि नहीं, हो सकता है कि वहाँ नहीं हो तो आपको वहाँ कराना चाहिए जहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल है, जिससे क्या है कि उससे आपको रिजल्ट अच्छे नहीं आए आपके। हर पेशेंट में उसकी जरूरत नहीं होती है, बट अगर आपका बोनी वर्क करना होता है तो उसके लिए बड़ा अच्छा है। सो देखा दोस्तों, आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है यू कैन शेयर टू योर फैमिली फ्रेंड्स एंड कलीग्स जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग मोर इनोवेशन इन द राइनोप्लास्टी। थैंक यू।